कोविड प्रभारी कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर ने हाटपिपलिया में बनने वाले कोविड सेंटर का निरीक्षण कर जन जागरण किया। शुक्रवार के दिन मध्य प्रदेश शासन की कैबिनेट मंत्री और देवास जिला कोविड प्रभारी उषा ठाकुर ने हाटपिपलिया में बन रहे कोविड सेंटर का निरीक्षण किया। साथ ही नेवरी और अरलौदा में लोगों को कोविड से सावधानी और सुरक्षा को लेकर जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत कहा कि ठंडी चीजों का सेवन नहीं करें, गर्म पानी पिए, जितना हो सके व्यायाम करें। मंत्री उषा ठाकुर ने हाटपिपलिया में निरीक्षण के संबंध में कहा कि हाटपिपलिया में कोविड सेंटर प्रारंभ हो रहा है, जिससे कि मरीजों को दूर तक दौड़ नहीं लगाना पड़ेगी, यही उनका इलाज होकर वो अपने घर जा सकेंगे। साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री जी के आदेश हैं कि सभी जनप्रतिनिधि जिनको जिस जिले की जवाबदारी मिली है वह जाए और जन जागरण के तहत लोगों को जागरूक करें। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक मनोज चौधरी मौजूद रहे। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। ग्रामीण क्षेत्र में भी आपके द्वारा जन जागरण किया गया, किस संबंध में? जी, जन जागरण यही है, माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि सभी जनप्रतिनिधि जिसको जिस जिले की जवाबदारी मिली है वो पंचायत पंचायत तक पहुँचे और जागरण, जन जागरण के लिए आज हम सब भाई बहन निकले। मेरे जिला अध्यक्ष राजीव जी, मेरे विधायक भाई मनोज जी, हम सब, हमारा संगठन, पूरी टोली घर गाँव गाँव जाके ये आग्रह कर रही है कि मास्क बहुत ज़रूरी, दो गज की दूरी अनिवार्य, ठंडे और खट्टे पदार्थों से बचें ताकि आपको शीत का प्रकोप ना हो, कोरोना वहीं से प्रारंभ होता है, और गर्म पानी पीते रहें, योग व्यायाम करते रहें, अकारण घर से ना निकलें, और जिन दुकानों की बहुत आवश्यकता नहीं है ग्राम सभाएं बुलाकर स्वविवेक से गांव की सुरक्षा हेतु कोरोना कर्फ्यू के लिए लोगों को प्रेरित करना। थैंक यू। जो उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा रहता है, यहाँ तक कि व्यक्ति मर जाता है वाली स्थिति उसके साथ नहीं होगी जिसने वैक्सीनेशन करा लिया है। साथियों, चाहे हम कई तरह की व्यवस्थाएं सरकार आपके लिए कर रही है, ऑक्सीजन से लेकर रेमडेसिविर इंजेक्शन हो या बेड की व्यवस्था, हर एक व्यवस्था करने का प्रयास कर रही है, लेकिन अगर संख्या बढ़ती जाएगी दिनों दिन तो एक सीमित संसाधन है। संसाधनों में हम सब जानते हैं कि हम अपने यहाँ कई कार्यक्रम रखते हैं कि 10-20 लोगों को हम बुलाएं और अगर उस कार्यक्रम में 100 लोग आ जाते हैं एक साथ तो घर वालों की तकलीफ होगी, बुखार आना शुरू होगा और ये आमंत्रण होगा कोरोना को। तो खुद भी समझिए, बच्चों को समझाइए कि इस कठिन काल में हम ठंडी चीजें नहीं खाएंगे। यदि साधारण बुखार लग रहा है तो हमारा काढ़ा पीकर, दिन भर गर्म पानी पीकर भी अपने बुखार को उतार सकते हैं। तो मेरी प्रार्थना इतनी ही है कि ये जो पानी है ना, ये यही जीवन है, जल ही जीवन है, इसको गर्म करके पीते रहिए और कोरोना को अलविदा कहते रहिए। ग्राम स्तर पे यदि हमने लॉकडाउन मजबूती से किया तो इसकी चैन टूटेगी। क्यों चौधरी जी, हमारे मंडल के महामंत्री भाई धीरज सिंधव जी और इस ग्राम के हमारे युवा नेता भाई नवीन पाटीदार जी और उपस्थित इस ग्राम के समस्त वरिष्ठ नेतागण, युवा साथियों, निश्चित रूप से आज जिस प्रकार की ये कोरोना वैश्विक महामारी चल रही है इसके खिलाफ हमको जन जागरण की आवश्यकता है। हम हमारे घर में रहें, सुरक्षित रहें, हमारे परिवार को सुरक्षित रखें और हम घर से बाहर ना निकले। देखने में आ रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जब हमारे बीच में हमारे प्रभारी मंत्री दीदी उषा ठाकुर जी, सम्माननीय जिला भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष राजू भैया, उपस्थित महामंत्री जी और हमारे समस्त यहाँ पर उपस्थित साथीगण, मैं ज़्यादा लंबी आपके पास बात नहीं करूँगा, जो भी बात है हमें मार्गदर्शन देगी दीदी, लेकिन ये बहुत ही संकट की घड़ी है और मैं आपको इतना विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि संकट की घड़ी में भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार, हमारे जिला अध्यक्ष से लेकर मंत्री जी से लेकर हम सब आपके साथ पूरी ताकत से एक परिवार के सदस्य के रूप में, लेकिन हमें सिर्फ आपसे इतनी अपेक्षा है कि सरकार ये नहीं चाहती। भाई मनोज ने, हमारे महामंत्री जी ने, मैं भी आपसे निवेदन करने आई हूँ कि ये कोरोना महामारी को यदि हम विदा करना चाहते हैं तो हम सबको भी जागरूकता का परिचय देना होगा। मास्क लगाएं, दो
गज की दूरी बहुत ही जरूरी है। ये छोटा सा प्रयास हमें महामारी के प्रकोप से बचा सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भेजा है कि पंचायत स्तर पर यह तय हो कि बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होगी तब तक हम घर से नहीं निकलेंगे, अकारण भीड़ इकट्ठा नहीं करेंगे। यदि छोटी छोटी चिंताएं हमने कर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।